बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में टमाटर का परिवार रहता था। वो बहुत सुखी परिवार था। एक दिन टमाटर की माँ ने टमाटर से कहा, टमाटर ये लो, यह केक दादी को दिया, दादी बहुत खुश होगी। टमाटर दादी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। जब वह आधे रास्ते पे पहुंची तो उसे एक कुत्ता मिला और कहा, ए टमाटर इधर आ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। टमाटर ने कहा, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, मैं जब वहाँ से आ जाऊंगी तब तुम मुझे खा लेना। और टमाटर वहाँ से दादी के घर चली गई। जब दादी ने टमाटर को देखा तो बहुत खुश हुई और उससे पूछा, कैसे आना हुआ बेटा? बेटा टमाटर, तुम अकेली आई हो, तुम्हारे माता पिता नहीं आए क्या? टमाटर बोली, नहीं दादी, मेरे माता पिता नहीं आए, मैं आपके लिए यह केक लेकर आई हूँ। दादी ने केक खाया, बहुत खुश हुई और बोला, टमाटर ये केक बहुत अच्छा है। जब दादी ने केक खा लिया उसके बाद टमाटर ने कुत्ते ने जो जो कहा था वो सब बताया। ये सुनने के बाद दादी ने उसे एक उपाय बताया और फिर टमाटर को भी राहत मिली और घर जाने के लिए निकल गई। और रास्ते में उसे वो कुत्ता मिला और खाना चाहा। टमाटर दादी के बताए गए उपाय को याद किया और कुत्ते से कहा, तुम मुझे एक शर्त पर खा सकते हो। कुत्ते ने पूछा, क्या है वो शर्त? टमाटर ने कहा, तुम मुझे खाने से पहले इन रोटियों को खाकर दिखाओ। कुत्ता शर्त मान गया और उन रोटियों को खाने चला गया। तब तक मैं टमाटर वहां से अपने घर चली गई। जब कुत्ता रोटियां खाकर आया तो देखा टमाटर नहीं है। अरे कहां जा सकती है? और वह बहुत पछताया कि मैंने उसकी बात क्यों मान ली। टमाटर ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताया और माता पिता ने उसे शाबाशी दी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को